खजरूद में क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बुधवार को स्टेशन रोड सत्यम शिवम में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने शिरकत की। दीपावली मिलन समारोह में उज्जैन जिला प्रभारी शोभा ओझा ने भाजपा के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलो और जोर से बोलो की राजनीति करती है और जिस तरह से किसानों को गुमराह करती आई है कि उनकी फसलों को दोगुना उनको दाम मिलेगा, दोगुना भाव उन्हें मिलेगा, लेकिन आज हालात इतने बुरे हैं कि किसान को अपनी फसल सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है। जी हाँ, लेकिन भाजपा सरकार उनकी सुध भी नहीं ले रही है। ओझा ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने का आह्वान किया गया है। मेरे तो सबके और सम्मति दे, ये मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ और सभी ने अभी अपने अपने विचार रखे हैं कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इसको देश को तोड़ने की बीजेपी ने योजना बना रखी है, आपस में भाई बहनों को लड़ाने की जो योजना बना रखी है, उस कड़ी को तोड़ने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी देश के अंदर एक